प्रयागराज जनपद के उतराव थाना क्षेत्र के भूषण गांव में विवादित भूखंड पर एक पक्ष द्वारा जबरन निर्माण से तनाव बना हुआ है, जबकि विवादित भूखंड का धारा 116 के तहत न्यायालय में वाद दाखिल है और स्थगन आदेश भी पारित हुआ है। नीमी गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद पटेल ने बताया कि उसके पिता 3 भाई थे। सड़क पर संजिया की कीमती जमीन है, जिसका बंटवारे के लिए धारा 116 के तहत न्यायालय में राष्ट्रपति बनाम रामलाल का वाद दाखिल किया गया है, जिसका न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित हुआ है। राजेंद्र प्रसाद पटेल का आरोप है कि विपक्षी लोगों द्वारा कीमती जमीन हथियाने के लिए स्थगन आदेश का अवहेलना करते हुए विवादित भूखंड पर गुंडई के बल पर निर्माण किया जा रहा है। हालांकि मंगलवार को थाना अध्यक्ष पंकज कुमार त्रिपाठी ने फोर्स भेजकर जबरन निर्माण कार्य को रोका है, लेकिन थाने में सक्रिय दलाल मोटी रकम लेकर पुनः निर्माण कराने की जुगत में है, जिससे दो पक्षों में तनाव बना हुआ है। पीड़ित राजेंद्र प्रसाद पटेल ने बताया कि दलालों के सह पर विपक्षी लोग जान मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रयागराज जनपद से एसके सिंह पटेल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद पटेल है, हमारे पिताजी का रामलाल। घर कहाँ पे है? हमारा घर है नीमी। थाना उतराव। कई दिन से आप थाने पे आ रहे हैं, क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। हमारा मामला, हमारे पिताजी 3 भाई थे, एक भाई के पतो नतो और जो जबरदस्ती रोड पे जमीन है, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और हम लोग थाने भी आ जा रहे हैं, तहसील भी आ जा रहे हैं, कागज भी जमा कर दिए, कोई सुनाई नहीं हो रहा। अब गुंजाई के बल जबरदस्ती उसको कब्जा कर रहे हैं। थाने पे शिकायत किए? हाँ, थाने भी शिकायत किए। काम रोका गया है कि नहीं? काम रुकता है, पुलिस जाती है, रुक जाता है, फिर तुरंत चालू हो जाती है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं न्याय हो और 3 लड़के हैं, तीनों भाई के बराबर शेयर मिले, 1/3 जो नियम है। अस्थगन आदेश है? अस्थगन आदेश तहसील से है और दीवानी भी मुकदमा दायर है।